श्री स्वप्निल शुक्ला जी के माध्यम से किया गया ये गौष्टमी का कार्यक्रम, मंच पे उपस्थित हमारे मित्र डॉक्टर साहब जिन्होंने बहुत ही बढ़िया आवाज में अभी भजन यहाँ पर गा के सुनाया, श्री मिश्रा जी, आदरणीय श्री गीता जैन जी, राम नारायण दुबे जी, मदन सिंह जी, प्रमोद सावंत साहब, अविनाश गिरोह जी, राजकुमार मिश्रा जी, मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित भाइयों बहनों और दोस्तों, श्री शुक्ला जी को मैं बधाई पेश करना चाहता हूँ। इस शहर में बहुत सारे कार्यक्रम हमने देखे, अटेंड किए, मगर गौ माता के संदर्भ में पहला कोई कार्यक्रम, वो भी इतना बेहतरीन आयोजन, आपको तो गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो ही चुका है। संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। भाई ने यहाँ पे कहा कि आप लोगों की बात अगर लोग सुनेंगे तो उसे मानेंगे, तो मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि गौ माता भगवान श्री कृष्ण के जमाने में तो गवलिए थे, जंगल ज्यादा था, लोक बस्ती कम थी, और जमीन जहां पे सिंचाई होती है वो कम जमीन हुआ करती, मवेशी गाय तो सभी के घर होती थी, वो तो दिन भर घूमती थी, गोबर करती थी, गौमूत्र करती थी, खेतीबाड़ी हो जाती थी। मगर एक वर्ष ऐसा हुआ डॉक्टर साहब कि बहुत जोरदार वर्षा हुई और बाढ़ आ गई, और आप जानते हैं कि बाढ़ आने के बाद क्या होता है कि उपजाऊ जमीन जो होती है वो पानी में बह के चले जाते। अब गांव वाले सारे परेशान, सबने श्री कृष्ण जी के पास अपनी बात रखी कि अब कैसे होगा इस साल। गांव में सभी के घर में जो है गोबर का ढीक लगा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने सभी से कहा कि इसी गोबर को अपने खेतों में बिछा दीजिए और इस साल फसल बढ़िया होगी। गौ माता की, माता आपकी हमारी क्या करती है, जन्म देती है, दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, गौ माता के वजह से, उस गोवर्धन के वजह से उस साल जो बंजर होने वाली जमीन थी वो उपजाऊ हो गई, और तभी से गाय जो है ये गौ माता के स्वरूप में मानी जाती है। गांव के दूध में हाईएस्ट प्रोटीन है, लोवेस्ट कोलेस्ट्रॉल है, और अच्छी जिसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लोगों को अक्सर पता होता है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, मगर गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल दो चीज होती है। गाय के दूध में गुड कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज्यादा है। आज जिसे साइंस ने सेंद्रीय खत जिसे कहते हैं कि गाय के गोबर से खेती करना, साइंस ने आज उसको माना, मगर श्री कृष्ण भगवान ने कब बताया, उस जमाने में। उस सेंद्रीय खत का सिलसिला कब से शुरू हुआ, भगवान श्री कृष्ण के जमाने से शुरू हुआ। हमारे पैगंबर, सुनिए आप, या हमारे भी समाज के बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, सुनिए आप, समाज में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, हिंसा करने वाले होते हैं, अहिंसा करने वाले होते हैं, धर्म का काम करने वाले होते हैं, अधर्म का काम करने वाले होते हैं, न्याय करने वाले होते हैं, अन्याय करने वाले होते हैं, तभी ये समाज का सिलसिला चलता है, वरना अच्छाई क्या और बुराई क्या ये तो पता ही नहीं लगे। हमारे पैगंबर ने, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि गाय चार पैर के जानवरों की सरदार है, और क्या फरमाया कि इसकी देखरेख करो, इसका पालन पोषण करो, इसको धूप छांव बाढ़ और परिस्थितियों से बचाओ, इसका दूध जो है ये दवा है। ये हमारे हुजूर ने फरमाया। मैंने कहा कि अच्छाई करने वाले भी हैं, बुराई करने वाले भी हैं, तो समाज में दोनों
तरह के लोग हैं, इसलिए कोई लोग कुछ करते हैं तो इसलिए पूरा समाज वैसा होता है, ये मानना भी कहीं ना कहीं गलत होता है। सम्राट अशोक के जमाने में गौ हत्या पे बंदी थी। सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब हिंदुस्तान तक आए और जब वापस गए अपने साथ 1,00,000 गाय वो लेकर के गए। इजिप्ट के अंदर पिरामिड है, उस पर जाकर के आप लोग घूमने जाते होंगे, कभी जाके देखिएगा तो गाय की तस्वीरें उसमें पत्थर में नक्शी आपको नजर आएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त भी गौ बंदी थी, गौ हत्या पर बंदी थी। इतना ही नहीं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के जमाने भी गौ हत्या पे बंदी थी और सजाए मौत थी। 1857 के गदर में रानी लक्ष्मीबाई ने जो स्वतंत्र की चलवल उठाई और उस चलवल के अंदर जब सिपाहियों को, हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को पता लगा कि इस कारतूस के ऊपर, इस पर पिक्चर भी बनी थी, आपने देखा होगा, मंगल पांडे, कि उस पर अगर गाय की चर्बी थी तो दोनों समाज ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ना बंद कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। आपके हमारे देश का वातावरण जो आज है, इसकी नींव किसने अगर डाली है तो अंग्रेजों ने डाली है। मैंने पहले ही कहा कि समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। कलकत्ता के अंदर सब में पहला दंगा गौ माता के हत्या पे करवाने वाले, सिलसिलावार काम करने वाले अंग्रेज थे। पहला दंगा अगर इस मुल्क में हुआ तो वो वहां हुआ। दोस्तों, मैं खुद 20 गौ माता का पालन करता हूं मेरी खेती में। मेरे घर में दूध जो है गौ माता का ही वर्षों वर्ष से आता है। इसी मीरा रोड में हमारा भी तबेला हुआ करता था, गौ माता हमारे पास भी थी। आज नागपुर में मेरी खेती है और सेंद्रिय खत से, गौमूत्र से और गोबर से ही खेती करता हूं। और गोबर और गौमूत्र की अगर खास और विशेषता अगर आपको बताना शुरू करूं तो 4 घंटे यहां कम पड़ेंगे। मैं सिर्फ आपको इतने शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस सिलसिले की शुरुआत की थी, आज जाकर के वो, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक खेती करना, साइंटिफिक खेती करना। तो गौ माता के गौमूत्र से, गोबर से, इस तमाम चीजों से फल, फूल, पौधे, मनुष्य, हर बात का जीवन जुड़ा हुआ है। और यही वजह है पंडित जी कि हिंदू मिथोलॉजी में, हिंदू मिथ में कहा जाता है कि गौ माता के पेट में 33 देवी देवताएं हैं ताकि मनुष्य उसकी हत्या ना करे और गौ माता जो आपको जन्म देती है, खाना खिलाती है, उसका पालन पोषण करे। इसलिए शुक्ल जी, आज आपने तो, आज आप गोवर्धन हो गए हो। गोकुल में एक टेकड़ी भी है जिसे गोवर्धन कहते हैं और गाय को पालन पोषण करने वाले को भी गोवर्धन कहते हैं। मीरा भाईंदर के आज आप गोवर्धन हो गए हो। धन्यवाद, गौ माता की जय। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।